बल्कि मैंने खुद एक ऐसी स्टोरी जो है वो कवर की जिसमें एक टीनेजर जो यूएस में था, जो स्कॉलरशिप लेकर जो है बाहर पढ़ रहा था, वो स्काइप के ऊपर जो है उसके इस्लामिक स्टेट के एलिमेंट्स के साथ जो है वो रब्ता कायम हुआ और वो एजुकेशन छोड़कर पाकिस्तान आया और विदाउट टेलिंग हिज पेरेंट्स देन क्रॉस्ड इनटू अफगानिस्तान, जिसका आज तक कुछ पता नहीं लगा कि वो कहाँ गया। आईएसएस जो के है या इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान का जो चैप्टर है वो दो हिस्सों में जो है वो तकसीम है। जब 2014 के अंदर सबसे पहले वी सॉ के आईएसएस के जो है वो रूनुमा हुआ एट द एंड ऑफ 2014 रफली बिटवीन एंड 2015, तो आईएसएस की सबसे पहले रूनुमाई का जो ज़रिया था वो अफ़गान जो कैंप्स थे, जो रेफ्यूजी कैंप्स थे पेशावर और उसके मुजाफात में, उसमें तकरीबन कोई 14 सफ़े का एक पैम्फलेट था जो तकसीम किया गया और उसमें ये बताया गया कि जो इसके फाउंडिंग लीडर है जिसको अबू मूसा अल ज़रकावी जो है वो कहते हैं, उनका पेशावर में जो है वो स्टे था अफ़गान जिहाद के टाइम पे जब वो एक टीनेजर थे और वहाँ से फिर वो अफ़गानिस्तान गए और वहाँ से फिर लीगल ईरान में क्रॉस हुए और वहाँ से इराक गए और अलकायदा का एक सब ब्रांच के तौर पर सबसे पहले जो है 8 केम इनटू फॉर्मेशन और उसके बाद इस्लामिक स्टेट एक पूरे तरीके से जो है वो सामने जो है वो आ गया। इसके अंदर जो लोग हैं वो बेसिकली तीन ग्रुप से जो है वो बन के आए थे, उसमें TTP के डिसिडेंट एलिमेंट्स हैं, उसमें अफ़गान तालिबान के डिसिडेंट एलिमेंट्स हैं और उसमें IMU जो इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान है उसके डिसिडेंट एलिमेंट्स जो है वो मिलके उन्होंने जो है शुरू में ये बनाया था। बाकायदा एक नक्शा जो है जारी किया गया जहाँ तक जो फॉर्मर फाटा के एरियाज़ हैं और अब ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो और अफ़गानिस्तान और ईरान के कुछ इलाके जो है वो खुरासान के अंदर जो आ जाते हैं। इसके फॉर्मेटिव ईयर्स हैं वो तकरीबन 2015 से लेकर 2018 तक जो है ये गिरदाने जाते हैं और इसके दरमियान में इसने सबसे मेजर अटैक्स जो है वो किए एंड एट इट्स हाइट जो है वो द एस्टिमेट्स दैट वी हैव दे वर अराउंड 3000 फाइटर्स दैट वी हैव। लेकिन अब चूंकि अमेरिकन जो कोलिशन फोर्सेस थी और अफगान फोर्सेस एंड इंडियन पाकिस्तानी फोर्सेस ऑन दिस साइड उसको काफ़ी हद दर्जे तक ट्रिम कर दिया गया और उनके बेसिक टारगेट्स जो थे वो या आइदर अमेरिकन फोर्सेस थे, आइदर वो जो है अफगान तालिबान थे और आइदर वो माइनॉरिटीज़ थी। किस्म के सुसाइड अटैक्स जो है वो कैरी आउट करें, जिस किस्म की IED अटैक्स, और हमने देखा है कि वो बहुत सोफिस्टिकेटेड किस्म के अटैक्स हैं, ये भी नहीं कि वो बहुत सिंपल किस्म के अटैक्स हैं, बल्कि IED जो डिवाइसेस हैं जो वो मैग्नेटिक बॉम्ब्स जो अफगान तालिबान के खिलाफ जो इस्तेमाल करें या बाकी जो उनके टैक्टिक्स हैं, पर्टिकुलरली जो उनके कम्युनिकेशन टैक्टिक्स जिसमें टेलीग्राम और सिग्नल का इस्तेमाल है, वो रेगुलर जो है इंटरसेप्शन भी उनका मुश्किल है। दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में ज़मीन आसमान का जो है वो फ़र्क है, जो इनके अपने सेक्टेरियन डिफरेंस हैं। अगर आप जो है दाइश की जो है जो उनका रिलीजियस लिटरेचर है वो पढ़ें तो वो बहुत सेल्फिश लाइंस पर जो है वो उनकी बुनियाद है और जो अफगान तालिबान हैं वो एक देवबंदी स्कूल को यानी मातुरीदिया जिसको कहते हैं उसके जो है वो आयल हैं। अफगान तालिबान की एक स्टेटमेंट जो है वो सुनी होगी जिसमें उन्होंने जो है वो ज़िक्र किया कि IS जो है हमारे लिए एक सरदर्द के अलावा और कुछ नहीं, लेकिन फिर उस स्टेटमेंट के बाद आपने देखा कि दो जुमे मुसलसल तौर पर जो है वो अटैक्स जो है वो किए गए। दे बीन लेबलिंग अफगान तालिबान कि ये जो है इनका जो एम है वो सिर्फ एक जियोग्राफिकल एरिया तक जो है वो लिमिटेड है और अब दाइश का जो इस्लामिक स्टेट का जो क्लेम है वो चाहती ये है कि एक ग्लोबल जहाद यानी एक ग्लोबल टेरिटरी के ऊपर उनका जो है वो कब्ज़ा किया जाए। IS के जो जितने भी हमने लोग देख रहे हैं वो बेशतर जहादी ऑर्गेनाइजेशन से मुख्तलिफ इसलिए भी हैं कि इसमें काफ़ी एजुकेटेड लॉट जो है वो सामने जो है वो आया है और उसके कुछ पहलू जो हैं वो दुनिया भर में तो हैं ही, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि कराची के अंदर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो है आए कि जिसमें कुछ लोग जो है वो IS से मुतासर होकर उन्होंने कार्रवाइयाँ की, बल्कि मैंने खुद एक ऐसी स्टोरी जो है वो कवर की जिसमें एक टीनेजर जो US में था, जो स्कॉलरशिप लेकर जो है बाहर पढ़ रहा था, वो स्काइप के ऊपर जो है उसके इस्लामिक स्टेट के एलिमेंट्स के साथ जो है वो रब्ता कायम हुआ
और वो एजुकेशन छोड़कर पाकिस्तान आया और विदाउट टेलिंग हिज पेरेंट्स ही क्रॉस्ड इनटू अफगानिस्तान, जिसका आज तक कुछ पता नहीं लगा कि वो कहाँ गया। सो इट हैज़ द ल्यूर, इट हैज़ द पोटेंशियल टू अट्रैक्ट एन एजुकेटेड क्लास एज वेल। शुरू में जब नंगरहार के अंदर और पाकिस्तान के वो एरियाज़ जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स, पर्टिकुलरली औरगज़ई एजेंसी इस ज़माने में थी, जो अब औरगज़ई ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, इनकी मेन लीडरशिप वहाँ से आई। एज फार एज़ द लीडरशिप जो है ऑफ IS इज़ कंसर्नड, इनका जो पाकिस्तान में जो IS सेंट्रल ने पहले लीडरशिप की जो अनाउंसमेंट की थी, उसमें हाफिज़ सईद का नाम जो है वो आता है। हाफिज़ सईद खान जो है वो TTP पाकिस्तान, जिन जो पाकिस्तानी तालिबान थे उनके कमांडर थे औरगज़ई एजेंसी के अंदर, और एक जो है तालिब हैं, फॉर्मर तालिब, जिनका नाम अब्दुल रऊफ खादिम थे, और उनके मुल्ला उमर के साथ जो है या अफगान तालिबान के साथ इख्तिलाफ थे, तो उनको डिप्यूटी जो है उनका तैनात कर दिया गया। ट्राइबल वर्ल्ड नहीं बल्कि IS का जो फुटप्रिंट है वो रूरल सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर भी जो है वो नज़र आता है, और उसमें बेसिकली उनकी एफिलिएशन जो है, जो सेक्टेरियन ग्रुप्स जो है वो सामने आए हैं, उनके साथ उनकी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग एफिलिएशन हुई है, विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू बलूचिस्तान के अंदर। जब हमने इस साल के शुरू में हमने देखा कि हज़ारा कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को उन्होंने जो है बस से उतार कर जो है वो टारगेट जो किया, इसके अलावा हमने देखा कि अभी रिसेंटली उनकी वज़ीरिस्तान के अंदर जो है कोई सच कोई शिया पॉपुलेशन है नहीं, लेकिन एक फ़ीमेल डॉक्टर का बेटा जो वहाँ पर डिप्लॉयड थी नौकरी की खातिर, उसके बेटे को जो है वो टारगेट करके वहाँ से क्लेम किया। फिर एक कबायली मलिक जो वहाँ पर था उसको जो है टारगेट करने का क्लेम जो आया। तो ये बेसिकली जो अटैक्स जो सामने आ रहे हैं वो सिर्फ ट्राइबल बेल्ट में लिमिटेड नहीं है, बल्कि सारे एरिया से जो है वो आ रहे हैं। ये स्लीपर सेल्स के बतौर जो है कुछ एरियाज़ के अंदर इस टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन है इनकी, लेकिन ऐसा कोई मुनज़्ज़म नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर सामने नहीं आता। हामिद कारज़ाई एयरपोर्ट के ऊपर जो सुसाइड अटैक हुआ और जो IS ने अपने मैगज़ीन अल नबा में उसका प्रोफाइल भी जो है वो लिखा, तो उसमें बहुत क्लियरली ये बात जो है वो मेंशन थी कि ये कैदी जो था जिसने सुसाइड अटैक किया था, ये बेसिकली उसी जेल में से निकला था जो अफगान तालिबान ने जो है पुले चरखी में से जिन कैदियों को रिलीज़ किया था। द अमेरिकन्स जो है वो अफगान तालिबान की मदद से इंटेलिजेंस उनको प्रोवाइड करके ISKP का या किसी और जहादी ग्रुप्स जो वहाँ पर है उनका खात्मा जो है वो चाहते हैं, तो अगर आज उनके साथ कोई सेंसिटिव जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर होती है और कल वही लोग जो है वो डिफ्लेक्ट होकर जो है इस्लामिक स्टेट में शामिल हो जाते हैं, सो दैट इज़ गोइंग टू बी अनदर डिज़ास्टर इन द मेकिंग।